कि अल्लाह पर ईमान लाओ, और अल्लाह पर ईमान का तकाजा है कि रसूल पर भी ईमान लाओगे। रसूल पर अगर ईमान नहीं लाओगे तो फिर अल्लाह पर कोई ईमान नहीं। रसूलों का एक रसूल का इनकार करने वाला सारे रसूलों का मुनकिर है। आपने कुरान करीम की आयत सुनी होगी, कज़बत कौम नूह लिल-मुरसलीन, कज़बत आद लिल-मुरसलीन। कौम आद ने रसूलों की तकजीब की थी, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों की तकजीब की थी, नहीं माना था, हालांकि उनकी तरफ तो एक आया था, वइला आदिन अखाहुम हूदा। इसी तरह मदियन वालों ने भी रसूलों की तकजीब की थी। तो मुराद ये कि उन्होंने एक रसूल का इनकार किया जो अल्लाह ने उनकी तरफ भेजा था, तो उन्होंने असल में सारे रसूलों का इनकार किया। एक रसूल का इनकार करने वाला असल में सारे रसूलों का इनकार करने वाला। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अगर कोई आदमी आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानता, आप पर ईमान नहीं लाता, तो वो अपने आप को ईसाई कहता है तो कहता रहे, वो ईसा अलैहि सलाम का मुखालिफ है, वो ईसा अलैहि सलाम का मुनकर है, वो मूसा अलैहि सलाम का मुनकर है, वो मूसा अलैहि सलाम को मानने वाला नहीं, वो ईसा अलैहि सलाम को मानने वाला नहीं।